2024 में आपका स्वागत है। आज न्यूज 11 की टीम मौजूद है हजारीबाग के ऐतिहासिक झंडा चौक के पास। सबसे पहले हमारे सहयोगी राजधानी माफ कीजिएगा हजारीबाग के झंडा चौक की तस्वीर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये शहर कभी सोता नहीं है, हजार बागों का शहर ये हजारीबाग। और हजारीबाग के बारे में कहा जाता है कि यदि आपने झारखंड के तमाम जिलों में घूम लिया और हजारीबाग नहीं देखा तो आपका झारखंड दर्शन अधूरा है। आज दो अहम प्रत्याशियों ने नामांकन किया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मनीष जायसवाल और INDIA के प्रत्याशी JP पटेल ने भी नामांकन दाखिल कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि अब दंगल पूरी तरह से दिलचस्प हो चुका है हजारीबाग संसदीय सीट में। मैं लोगों की राय जानने की कोशिश करूंगा, मन को टटोलने की कोशिश करूंगा कि आखिर हजारीबाग की जनता क्या सोच रही है। गर्मी का मौसम है, कई लोगों का पसीना इस गर्मी में निकल रहा है, लेकिन थोड़ी राहत मिल जाती है आइसक्रीम गोलगप्पे की दुकान। देखेंगे किस प्रकार से ये भारत की राजनीति है, क्या क्या मसाला डाले इसमें। लिट्टी चोखा खाली हम बनाते हैं। चोखा में क्या क्या डाले आप? चोखा में आधी लहसुन, आधी नहीं है लहसुन है, और इसमें मिर्च है, बस बस इतना ही। और नमक कितना डाले भैया? नमक देखिए जितना आलू रहता है उसी हिसाब से नमक डाला जाता है, कभी कम सनाया कभी ज्यादा सनाया। राजनीति का नमक कैसा है यहाँ हजारीबाग में, भाजपा का ज्यादा है या कांग्रेस का? भाजपा का ज्यादा है। देखिए भाई बिना पूछे पहला सवाल, भाजपा का ज्यादा है, ज्यादा उसमें नमक में ज्यादा ताकत है। भाजपा का भाजपा जी जगह। क्या नाम है आपका? शंकर प्रसाद। शंकर जी आप कितने दिनों से झंडा चौक के पास लिट्टी चोखा बेच रहे हैं? ऐसे तो हम जिंदगी भर झंडे चौक में रहे हैं, जिंदगी भर पैदा भी लिए यहीं पर, और लिट्टी दुकान हमारा 40-42 सही लगभग में साल से है। तो काम काज कैसा लग रहा है 10 सालों का केंद्र सरकार का? ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत देश को मजबूत किया है। कोई एक अच्छा चीज देश में तो क्या अच्छा लगता है? देश में तो सबसे पहले मजबूत किया है कि जो है सो पहले बहुत सा चीज से मजबूत किया है देश को। मैं दिखाने की और कोशिश करूं अपने सहयोगी राजा के माध्यम से, ये राजनीति का वो कड़ाही है जिसमें कई बार होता यह है कि चाय से ज्यादा गर्म केतली हो जाती है। सर लिट्टी चोखा खाने आए यहाँ? लिट्टी चोखा खाने आए। रोज आते हैं या आज शौक किया? डेली आते हैं हम। डेली आ जाते हैं डेली सुबह? क्या करते हैं आप हजारीबाग में? पाव भाजी बेचते हैं। पाव भाजी बेचते हैं। देखिए भैया क्या नाम बताए थे आप? शंकर जी। पाव भाजी वाले आ रहे हैं लिट्टी चोखा खाने, और लिट्टी चोखा वाले जाते हैं पाव भाजी खाने। एक दूसरे से लिंक है, लिंक है। और कैसा है हवा राजनीति का? बहुत अच्छा है, BJP का है। कौन जा रहा दिल्ली? मोहिती मनीष जायसवाल जाएंगे। पक्का? पक्का। कोई शक? कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। हजारीबाग सदर विधायक श्रीमान मनीष जायसवाल जी ही दिल्ली जाएंगे, समझे? कट गया टिकट? कट गया टिकट, मिल भी जाएगा और वोट उन्हीं को पड़ेगा, मनीष जायसवाल ही जी को वोट पड़ेगा। JP पटेल भी तो नॉमिनेशन किए। देखिए हजारीबाग के हम लोग के चैंपियन श्रीमान मनीष जायसवाल जी हैं, तो वोट तो उन्हीं को पड़ेगा। देखिए भाई बिना कोई लाग लपेट का कड़ाही दिखाते रहिए, देखिए जरा सा कैसे बनता है ये तला हुआ। देखेंगे लिट्टी जो नहीं खाया वो पछताएगा। घी में बनाने की रिफाइन में? रिफाइन में। ओ घी का अलग है, घी अलग से लगता है। किसका घी ज्यादा है, भाजपा या कांग्रेस? भाजपा ही करेगा, इधर से भाजपा का है। खतरे की घंटी है भाई JP पटेल साहब, एक भी अभी तक कोई नहीं मिला जो बोला कि JP पटेल जी को दिल्ली जाने में क्या दिक्कत है। इधर से तो कोई नहीं, आप जहां आए हैं वहां सिर्फ आपको श्रीमान मनीष जायसवाल जी का ही सब आदमी मिलेगा, सपोर्टर मिलेगा, समझे?
हम लोग हजारीबाग में रहते हैं और हम लोग मनीष जायसवाल जी ही को सपोर्ट करें। और लोगों से बात करते हैं भाई, क्या है लोग, युवा चेहरा भी हमारे साथ है, देखेंगे लिट्टी का स्वाद कैसा है। बहुत बढ़िया है। बहुत क्या नाम आपका? प्रमोद कुमार। प्रमोद जी कैसा है और राजनीति का स्वाद? राजनीति का स्वाद ऐसा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता, टक्कर होगा इस बार। टक्कर है? हाँ होगा, टक्कर दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल टक्कर होगा इस बार, क्योंकि कुछ सीटों पे बीजेपी का पकड़ बढ़िया है, कुछ सीटों पे गठबंधन जो है उन गठबंधन जिनका है उनका भी अच्छा है। या माना जाए कि कांटे की टक्कर होगा, बहुत जबरदस्त टक्कर होगा। और इस टक्कर में जो जीता वही सिकंदर हो जाएगा। आप भी सर आ जाएंगे, थोड़ा बोले, आप युवा चेहरे हैं, आ जाइए भैया। बोलिए, कैसे लिट्टी दिया? 20 रुपए। खुश हैं जी? बिल्कुल। क्या करते हैं आप हजारीबाग में? हजारीबाग में पढ़ाई करता हूँ जी। वोटर लिस्ट में नाम तो होगा ही जी, जरूर है। कैसी हवा है? बस बीजेपी और नहीं बीजेपी। भैया वो तो बोले कि टक्कर होगा। कोई टक्कर नहीं होगा, आपको बता दे। चलिए, कोई नहीं। जेपी पटेल जैसे नामांकन के लिए आए थे वैसे गाड़ी में बैठ के वापस चले जाएंगे। सोच लीजिए आपका जवाब। और भी कुछ लोग हैं? बिल्कुल, ये लोकतंत्र है, भारत का लोकतंत्र है, अपनी अपनी राय सबको रखने का हक है। चचा आपको नमस्कार, क्या खाए आप? भुंजा खाए थे। भुंजा? नमक ज्यादा था कम था? ज्यादा था। ज्यादा? किसका नमक ज्यादा था, भाजपा का कांग्रेस का? अब 400 के पार। अरे बाप रे बाप, यहाँ भी वही हाल, 400 के पार। क्यों? मोदी जी का सबका साथ सबका विश्वास, कोई कम नहीं। नहीं, उधर तो बोल रहा है कि भाई कुछ कामे नहीं हुआ देश में। मोदी जी का हम लोग मोदी जी को देख रहे हैं। प्रत्याशी नहीं? नहीं, प्रत्याशी से हमको मतलब नहीं, मोदी जी को हम लोग देख रहे हैं। बिल्कुल, प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं। और भी मैं घूम घूम कर लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हजारीबाग का वह शहर है जहाँ के बारे में कहा जाता है कि रामनवमी यहाँ पर ऐतिहासिक होती है। 5 से 7 दिनों तक ये पूरा शहर पैर तक रखने की आपको जगह नहीं मिलेगी इस पूरे इलाके में। मैं झंडा चौक की तरफ ही जा रहा हूँ ताकि और अच्छे तरीके से ये ऐतिहासिक झंडा चौक पर हमारे सहयोगी दिखाने की कोशिश कर रहे होंगे कि ऐतिहासिक झंडा चौक के पास कहाँ से आ रहे हैं सर आप लोग? कहाँ से आ रहे हैं भैया? यही से, यही के रहने वाले हैं? नहीं, बागुद। यही के हैं। माथे पे पगड़ी भगवा का क्या मतलब हुआ? देखिए, ये तो रामनवमी वाले थे हमारा, अभी तो कंप्लीट तो हुआ, आप तो जाने रहे। देश में सर आपको मैं सलाम करता हूँ कि आप हजारीबाग के रहने वाले हैं, पूरे देश में हजारीबाग के रामनवमी की चर्चा होती है। वो तो इंटरनेशनल है ना, और हमारे यहाँ जो भी होता है सब जेन्युइन तरीके से होता है। हजारीबाग की हवा कैसी है इस बार? दिल्ली वाला, दिल्ली वाला हम लोग का तो राष्ट्रहित पे वोट करेंगे। राष्ट्रहित का मतलब राहुल गांधी? नहीं, आप तो समझदार खुद हैं। नहीं समझदार हम लोग, राष्ट्रहित के लिए हम लोग सोच रहे हैं। हम कुछ नहीं समझते, आप बोलिए। नहीं, नहीं नहीं नहीं, आप बूढ़ बुजुर्ग है, इतना एक्सपीरियंस वाले, आप पूरा घूमते होंगे इतना क्षेत्र में। आप समझ गए, इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो। रुके भैया, आ जाइए, आइए भाई, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, थोड़ा देर रुकिए, 2 मिनट रुक जाइए। क्या है झोला में? सब्जी है। कैसे दिया सब्जी? 25 रुपए। महंगा लगा सस्ता? सस्ता सस्ता है सब्जी, टमाटर 20। सुनिए भाई जी, सर रुक जाइए, इधर आ जाइए। क्या इस बार आ जाइए सर, आ जाइए, या फिर मैं आपके पास ही आ जाता हूँ। आइए इधर आइए, इधर आ जाइए। शंकर चाय, शंकर लिट्टी दुकान में नाम नहीं लिखा हुआ है। कैसा हवा है इस बार? गर्मी तो काफी थी आज दिन भर। गर्मी रहेगा तो क्या आएगा, तो बीजेपी मोदी, दूसरा तो कोई आने वाला है नहीं। दूसरा उसके अलावा कोई है? नहीं है, राहुल गांधी है, ममता बनर्जी। राहुल गांधी पढ़ा लिखा है? वो फाइट करने से कोई आएगा तो मोदी ही, दूसरा कोई आने वाला है नहीं। आप कहीं भी जाके किसी से पूछ लीजिए। क्या सच बोला तो हाथ उठा दीजिए भाई एक बार। बिल्कुल बिल्कुल सच बोल रहा है मोदी ही, दूसरा कोई आने वाला ही नहीं है ना। विपक्ष में ऐसा कोई नेता है ही नहीं, ऐसा कोई है ही नहीं नेता, जो मोदी जी है मोदी जी है। बोलिए सर, अपनी बात रखिए। हाँ जी ठीक है। क्या हवा है, कौन दिल्ली जाएगा इस बार हजारीबाग से? मनीष जायसवाल।
किसका टिकट कंफर्म करेंगे? मनीष जायसवाल का। सुन लीजिए भाई, मैं कहीं नहीं हूँ, आ जाइए सर, आप लोग भी आ जाइए, आप लोग यहाँ पर रुके, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। सर आज दिन भर नॉमिनेशन का दौर चला, मनीष जायसवाल भी पसीना बहाते देखे गए, जेपी पटेल भी पसीना बहाते गए देखे गए, किनका पसीना रंग लाएगा? मनीष जायसवाल, पोजीशन अच्छी है, बीजेपी के कैंडिडेट हैं, बीजेपी का उद्देश्य साफ है। बोलिए सर। सर बीजेपी 100% है, और खास करके हम लोग मनीष जायसवाल सर के साथ इसलिए जाना चाहते हैं कि अपने विधायक कार्यकाल में जो पब्लिक के लिए वो काम किए हैं, 2400 घंटा एनी टाइम हर वक्त आप किसी भी काम के लिए चले जाइए, हर क्षेत्र में हर समय वो पब्लिक के लिए खड़ा रहे हैं। तो हम लोग यही चाहेंगे कि अगर वो एमपी में आ रहे हैं तो जिस तरीके से वो विधानसभा में अपना काम किए हैं, वो संसदीय क्षेत्र में भी आप देख लीजिएगा कि पिछला सुनिश्चित है। देखिए आपको मैं बता देना चाहता हूं कि 10 साल यहां के स्थानीय विधायक माननीय श्री मनीष जायसवाल जी निरंतर, चाहे वो मेडिकल के लाइन में हो या कोविड के काल में हो, उन्होंने सराहनीय काम किए हैं। आपसे बात करेंगे, एक व्यक्ति रुके हुए हैं मोटरसाइकिल से, रोड जाम ना लग जाए। आजे सर, आजे, रुक जाए। आजे सर थोड़ा सा, और मैं वही आप लोग का मन मिजाज जानने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या होगा इस बार हजारीबाग बाग में। मनीष जायसवाल ही जीतेंगे, जेपी पटेल का कोई जानता नहीं है। अब मनीष विधायक रहे मांडू के, वो विधायक है, वो ठीक है। हजारीबाग में मनीष जायसवाल 25 बेटी को शादी कराए हैं, कम से कम 25 गुना 50, 50 गो लड़का 50 गो बेटी शादी कराए गरीब को, और सबको बढ़िया से मतलब राजशाही शादी करवाए। मतलब ऐसा नहीं लगा कि कोई लाचार है गरीब? नहीं नहीं, वो तो लाचार ऐसा नहीं है, मतलब अपने अथी से किए शादी। और विधायक जी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, चलिए आप जल्दी बताइए। सर देखिए बात ऐसा है, ठीक है आप बोल रहे हैं जेपी पटेल, हम ये बता, हम नहीं बोल रहे हैं सर, हम बोले कि दो प्रत्याशी है। पटेल, जेपी पटेल जीत जाते तो उनका प्रधानमंत्री कौन होगा बताइए? उनका जो दुल्हा उनका नहीं है तो फिर कैसे अति करेंगे? इसलिए हर जगह पे देखिए, ममता जीतेगी तो रोहिंग्या, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो या फिर आप देख लीजिए गरीबों के तक, जो कि बराती तैयार है, दुल्हा अभी पता ही नहीं है कि दुल्हा कौन होगा, कुछ और लोग है। भगत सिंह भाई, मैं तारीफ करता हूँ सर, आपकी मूछों की मैं तारीफ कर रहा हूँ। अरे वाह, धन्यवाद सर। अभी आप पूरे हजारीबाग में, जी सर, आप ऐसे सच पहले जिसकी मूछे ताव देती दिखाई पड़े, लेकिन इस बार कौन ताव देगा सांसद बनने के लिए? तो बिल्कुल, देखिए हमारे जो प्रत्याशी है, जो हमारे जर घर घर के जन जन जो है मनीष जायसवाल जी, ताव उन्हीं के मूछों पर रहेगा, क्योंकि हमेशा मूछ में ताव देते वो आए हैं और उनकी वजह से हमारे मूछों में ताव रहता है। आप अगर गौर करेंगे तो जो भी आपका चाहे घर घर नल जन योजना है, वो आज जो गर्मी का समय है, जितनी भी शहर में हो चाहे प्रखंड में हो, आप देखेंगे वहाँ पर जाके तो हर घर में नल योजना, सामूहिक हो या घर घर में हो, वो वहाँ पर नल का व्यवस्था किया गया पीने के पानी का। दूसरा पॉइंट आप अगर लेंगे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ में इनका प्राथमिक योगदान ये रहा कि जितनी भी सामूहिक शादियाँ की गई हैं, मनीष जायसवाल जी ने अपने एंड से, अपने खुद से, चाहे वो सरकारी योजना में हो चाहे ना हो, उनके खुद से भी उन्होंने सामूहिक भाई बहुत सारी चीजें की। यदि कोई वोटर अपने माननीय विधायक की तारीफ करे, इसका मतलब यह मानिए कि विधायक वो कसौटी पर खड़ा उतरा है। सर माननीय विधायक आज हैं, कल हमारे माननीय सांसद होंगे, यही सबकी कामना है और हजारीबाग की पूरी जनता की कामना वही है। तीसरा अगर आप पॉइंट लेंगे तो जो आपका एक होता है किसी निर्धन के घर में अगर डेथ होती है, तो आज मरने के बाद भी हमारे यहाँ ये होता है, बिल्कुल खर्च बहुत ज्यादा है, तो उसका भी एक जो किट होता है, मृत्यु किट, जो विधायक जी की तरफ से प्रदान किया जा रहा है, वैसे गरीब लोगों को बहुत बधाई। और भी लोगों की तरफ मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ, आखिर क्या जनता सोच रही है? झंडा चौक, हजारीबाग का ऐतिहासिक झंडा चौक, हमारे सहयोगी राजा सीधे सीधे तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये झंडा चौक, ऐतिहासिक हजारीबाग का इलाका, यहाँ पर देखेंगे ओल्ड इज गोल्ड, श्री बहरू कुल्फी वाला। अब बहरू किनका नाम है,
और श्री कैसे लगा है, कैसा स्वाद है मैडम? बहुत ही अच्छा है, ये तो पुरानी मतलब नई पुराने चीजों को याद करने वाली चीज है। यहाँ हम आज से नहीं बहुत ही पहले से खा रहे हैं, मतलब 5-6 साल से खा रहे हैं। ये बताइए कि राजनीति का स्वाद कैसा है इस बार? होटल इसमें नाम है आपका? नहीं नहीं मेरा नाम नहीं नहीं, नहीं है। कहाँ के रहने वाले? हम बिहार के हैं। हाँ कोई बात नहीं, और भी मैं लोगों से बात करूंगा। बहरू ओल्ड इज गोल्ड, बहरू कुल्फी वाला सर ये देखेंगे। बहरू किनका नाम है? मेरे फादर का, बहरू डोमन गोप। बहरू का मतलब कम सुनते थे इसलिए बहरू टाइटल था। इनके आपके पिताजी? हाँ। आपके पिताजी का नाम बहरू था, डोमन गोप, डोमन बहरू कम सुनते थे बहरू बोलता। कई बार मोहल्ले गांव के लोग किसी को चिढ़ाने के लिए कुछ उपनाम रख देते हैं, वो अभी जीवित हैं? नहीं। चलिए भगवान उनको, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। सर कितने दिन से कुल्फी बेच रहे आप यहाँ? 1955 मेरे फादर बेचे थे। उसके बाद से आप? नहीं, उसके साथ थे समझ, जब से होश संभाले हैं। हजारीबाग बदला हुआ दिखाई पड़ता है आपको? बहुत बदलाव आया है। कैसा लगता है हजारीबाग? हजार बागों का शहर हजारीबाग। और कौन जा रहा दिल्ली यहाँ से इस बार? जिसको जनता चाहेगी। जनता किसको चाह रही है? जनता जनता ही जानेगी। आप भी तो जनता यहाँ के। अब मैं वोट कुछ करूँगा ये नहीं मैं बता सकता हूँ। कैसा काम काज दिखा 10 साल में? हमको कुछ समझ में नहीं आया। चलिए ये भी अच्छी बात है, कुछ नहीं समझना भी बहुत बड़ी बात है। सर क्या लग रहा है काम काज 10 साल का केंद्र सरकार का काम काज? अब हम लोग नहीं बता सकते। आप लोग सिर्फ ईवीएम दाबेंगे? चलिए कुछ जनता नहीं बताना चाहती है, बहुत बधाई। और ऐसे करके मैं घूमता हूँ सीधे सीधे और जगहों पर मैं जा रहा हूँ। ये हजारीबाग का झंडा चौक, शहर लगभग रात के 1-2 बजे तक जागता हुआ दिखाई पड़ता। इधर आ जाइए सर, जरा सर आ जाइए सर, बिल्कुल देखेंगे। एक सब्जी बेचने वाले लोग, मैं उनसे भी बात करूंगा। क्या नाम है भैया आपका? अच्छा ये नहीं बोल सकते हैं, आप बोलेंगे, आप तो तेज बोली, वही सवाल सुनाई पड़ गया हमको। आप यहीं के रहने वाली हैं? हाँ। वोटर लिस्ट में नाम है आपका? नहीं अभी नहीं है। अरे बाप रे, वोटर लिस्ट में नाम डलवाइए, इसमें करंट नहीं ना है पोल में। क्या नाम हवा? मेरा गुड़िया देवी नाम है। कितना देर सब्जी बेच रहे हैं आज? लॉकडाउन से बेच रहे। लॉकडाउन से? हाँ। कितना पैसा रोज आ जाता है? कितना आएगा, 300-200 जैसा हो जाएगा बिक्री, तो 200-250। हम पूछी तो ये हुआ कि कैसन काम धाम हजारीबाग में, कई बार लगी हवा होटल में, केकरा आजकल हवा बहित है होटल में? केकरा हवा? केकर हवा बह रहा है दिल्ली जाए में, सांसद में विधायक जी के। सुन लीजिए भैया, अब यहाँ भी मत बोलिएगा कि हम बोलवा दिए किसी से। विधायक जी से वोट देना है, उसी को नमक खा रहे, उसी को चावल खा रहे, उसी को सब चीज कर रहे, तो किसको देंगे? हाँ मेरा पति विकलांग है, हाँ तो उसी को नाम से पैसा भी आ रहा है कम बेसी। देखिए पैसा भी आ रहा, चावल मिली था वह? हाँ। कितना? हम लोग के 20 किलो मिलता है फ्री में। हाँ। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि किसी को बुरा लगे तो शौक से बुरा मानिए, मुफ्त में जो चावल मिलता है पर व्यक्ति 5 किलो, वो इस बार टर्निंग पॉइंट बनने जा रहा है, ना सिर्फ हजारीबाग बल्कि कई शहरों में। कितना आदमी है आप लोग? हम लोग 4 गो है। तो कितना चावल मिल जाता है? 20 किलो। 20 किलो? हाँ, पच, तो सब किलो। खा जाते हैं कि बेच देते हैं? ना सब खाते हैं, हम लोग नहीं बेच, हम लोग बेचते नहीं है। आलू के सब्जी और चपगर भात खा के मस्ती। 100 रुपया आ गया तो ठीक, 150 रुपया आ गया तो भी ठीक। सुन लीजिए भैया, ये टर्निंग प्वाइंट बनने जा रहा है, मैं आ रहा हूँ सर आपके पास भी। झंडा चौक की तस्वीर दिखा दीजिए मैडम, थोड़ा बोल दीजिए। चलिए वोट किसको देना है नहीं देना आपकी इच्छा है, मैं ये जानने की कोशिश, राजा थोड़ा कैमरा पैन करेंगे, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि 10 सालों में क्या कुछ काम दिखाई पड़ा देश का, आपको लगा कि कुछ देश बदला या फिर बदहाल हो गया? नहीं, थोड़ा बहुत तो सुधरा ही है।
थोड़ा बहुत तो सुधार दिखा, बाकी तो आने वाले टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। क्या सुधार दिखाई पड़ा? माहौल सुधरा, बीजेपी को हम सपोर्ट करते हैं, उनका काम अच्छा लगता है। अगर आगे भी वो रहे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ सुधार और भी करेंगे। चलिए, आपको मैं आपने बात की न्यूज 11 से, इसके लिए आपको धन्यवाद। इधर और मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ, और भी आगे हमारे सहयोगी दिखाएंगे, और भी आगे आ जाइए। पूरा का पूरा इलाका, कुछ बुजुर्ग से बात कर लेते हैं। सीनियर सिटीजन ऑफ हजारीबाग, सीनियर सिटीजन ऑफ हजारीबाग, आपका नाम तो मैं नहीं पूछूंगा, आपको मैं प्रणाम करता हूं। सर, मैं जाने की कोशिश कर रहा हूं, मन टटोल रहा हूं लोगों का, क्या लग रहा है, चुनाव का माहौल कैसा है? माहौल तो ठीक है, इस बार मैंने मोदी को 400 पार होना है। इस बार सब हम लोग सम्मान बना के रखे हैं, कम नहीं। नहीं, इसके पीछे की वजह? वजह है विकास का काम किया है। क्या विकास कर दिए? विकास क्या नहीं किया बताइए, नेशनल हाईवे रोड बनाया, आपका आयुष्मान योजना क्या किया है, आपका क्या बोलते हैं 80 करोड़ आदमी को मुफ्त राशन दे रहा है। यहाँ भी वही बात है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मुफ्त अनाज योजना टर्निंग प्वाइंट साबित होने वाली है। गांव चले जाइए, मुफ्त अनाज की चर्चा हो रही है, शहर में गरीबों से बात करेंगे, टर्निंग प्वाइंट होने वाला है। और यहाँ गुलाब जामुन का दौर चल रहा है। शादी ब्याह में एक गुलाब जामुन परोसिए, किसी कोई को 4-5 खा जाता है, तो बीच बीच में गुलाब जामुन वाला स्टॉल का जो आदमी है वो भाग जाता है डिब्बा बंद करके। कैसा स्वाद है मिठाई का? अच्छा भाई। इस दुकान का नाम क्या है भाई? दुकान का नाम नहीं रखे? क्या नाम है? मेट्रो स्वीट्स। चलिए सर, मैं जाने कुछ को मन मिजाज टटोल रहा हूँ कि कैसी हवा है यहाँ की? बीजेपी का बहुत बढ़िया, सही बात मेरा मित्र बोले, बीजेपी का हवा है। मनीष जसवाल स्पष्ट बहुमत से जीत रहे हैं, तय हो गया, उसमें कहीं किंतु परंतु है ही नहीं। 100% क्योंकि हम भी 30 साल से हजारीबाग में रह रहे हैं। क्या करते हैं सर यहाँ? हम कॉन्ट्रैक्टरी करते हैं। अच्छा, छोटा बहुत काम। हाँ, ये लग रहा है आपको पूर्ण? क्यों, इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं? सामाजिक काम बहुत बड़ करते हैं, जनता के बीच में अच्छा पैड है, हर दुख सुख में साथ देते हैं हर आदमी को, वही बहुत बड़ा वजह है। और मैं राय ले लेता हूँ, क्या कहेंगे? मैं आप ही की दुकान है? नहीं, दुकान तो उनकी है, मैं कस्टमर हूँ। कितना रसगुल्ला खाए? 10 गो। 10 पीस। और राजनीति का रसगुल्ला किसको खिलाएंगे इस बार हजारीबाग से? मनीष जायसवाल। गुलाब जामुन खिलाएंगे? राजभोग। राजभोग आज ठीक है। जेपी पटेल भी रसगुल्ला खिलाने? वो दल बदलू है, पहले बीजेपी में थे, 4.5 साल तक बीजेपी में रहे, मुख्य सचेतक बने, उसके बाद तेरा का दल बदल करके इंडिया एलायंस में आए हैं। वो इस्तीफा भी नहीं दिए? नहीं दिए वो, लक्ष्य भी नहीं खिला पाएगा वो तो चॉकलेट भी नहीं खिलाएगा वो। सर, किसको रसगुल्ला खिला रहे इस बार हजारीबाग से? अरे मनीष जायसवाल। गुलाब जामुन या सफेद वाला? अरे सफेद वाला जो कोई है सब वही है। कैमरा देखिए, गुलाब जामुन। हाँ हाँ, मनीष जायसवाल। जेपी पटेल भी सर खड़े हुए हैं? बस मनीष जायसवाल। वजह हम लोग बहुत अच्छे समाज के लिए लोकल हैं, हर सुख दुख में आते रहते रहते हैं, इसलिए हम लोग चाहेंगे कि मनीष जायसवाल। अब मैं मेट्रो स्वीट्स के पास आ चुका हूँ, मेट्रो स्वीट्स मैं दिखाने को। हाँ आज इस आ जाइए, आप दुकान के मालिक हैं? वाह, कैसा लग रहा है मिठाई? मिठाई तो आप ही लोग बताइएगा कैसा। उनको किसका ऑर्डर लेंगे, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। बीजेपी कमल खिलेगा 110%। कितना ऑर्डर आ जाएगा? ऑर्डर क्या, वो लोग अपने बनवा लेते हैं। हाँ हाँ,
पब्लिक लोग को जो लेना रहता है। आपका क्या नाम है सर? सुमित कुमार। मेट्रो से कैसे नाम पड़ गया? मेट्रो से दादा जब पहले द्वारिका जलपान गृह था दादा के नाम पे, फिर बड़े बाबा थे तो बबुआ होटल हुआ, फिर मेट्रो सीट हुआ। वक्त के साथ थोड़ा सा नहीं उसी समय से चल रहा है। हाँ तो दादाजी के बाद पिताजी। हाँ फिर आप। हाँ तो अच्छा रोजगार चल रहा है। हाँ ठीक है, ईश्वर की कृपा से रोजगार अच्छा चल रहा है। रसगुल्ला ये डिब्बा किसको खिलाएंगे इस बार? आपको खिलाएंगे। हमको खिलाइएगा। हाँ। हमको क्यों खिलाइए? बोलिए हम क्यों खाएंगे? कौन खाएगा बोलो ना। बीजेपी मनीष जसवाल। और बोलिए। हाँ बिल्कुल सर, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार प्रत्याशी आज नॉमिनेशन किए जयप्रकाश पटेल मनीष जायसवाल, किसका पलड़ा भारी है, किसका मिठाई खिल, कौन मिठाई खाने के लिए अच्छा होगा, किसको मिठाई खिलाएंगे आप? इनको मनीष जायसवाल। मनीष जायसवाल मतदाताओं की राय सुनी, लेकिन क्योंकि मैं धनबाद लोकसभा क्षेत्र में हूं जिसे काला हीरे का भी क्षेत्र कहा जाता है, जहां से हमने काफी सारी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट्स भी की, जनादेश 2024 के पहलू के जरिए जो है जनता से कई सारे सवाल भी पूछे, लेकिन क्योंकि अभी मेरे साथ काफी ज्यादा यंगस्टर मौजूद है और खासकर पहली बार के जो वोटर्स है वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं जिनकी उम्र 18 साल की हो चुकी है और इस बार वो अपने मत का प्रयोग करने जा रहे हैं। पहला वोटर है आप, पहला वोट आपको देना है, इस बार मुद्दे क्या रहेंगे धनबाद के? धनबाद का जस्ट मुद्दा ऐसा है कि हमारे यहाँ जितने रिसोर्सेस हैं, क्योंकि हम कोल कैपिटल ऑफ इंडिया में आते हैं, हमारे यहाँ बहुत रिसोर्स हैं, हम बहुत कोयला अपने सेंट्रल को प्रोवाइड करते हैं, मतलब एक मास अमाउंट में हम रिसोर्स सेंट्रल को प्रोवाइड करते हैं, उस हिसाब से सेंट्रल के द्वारा यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जाए, या तो हमारी झारखंड की सरकार ही ऐसी है कि ये रिसोर्सेज को अवेल नहीं कर पा रही है। जैसे कि हमारे यहाँ बहुत लिमिटेड अमाउंट में IITs NITs, क्योंकि आज की मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं पहले पढ़ाई को बात करता हूँ, तो उतने बस एक IIT है और एक एम्स जस्ट अभी खुला क्योंकि वहाँ के सांसद बीजेपी से बिलोंग करते हैं। और रही बात इनकी, तो अभी बहुत कोई मतलब बोलते हैं कि ऐसे ममता बनर्जी एक बहुत अच्छी चेहरा बनेंगी अगर वो PM के पद पर गई, तो वो कहाँ से एक अच्छा चेहरा बनेंगे? आप बंगाल की स्टैक्स उठा के देखिए, वहाँ मतलब बहुत 10 साल से करीब के वैकेंसी कोई भी मतलब स्टेट लेवल पे कोई भी वैकेंसी नहीं आई है, और ना ही हमारा झारखंड का भी आया। अभी हाल ही में झारखंड में हमारा जो पेपर आया था वो लीक हो गया। ऐसे ही करके झारखंड का एजुकेशन लेवल बहुत नीचे जा रहा है और सब कुछ कनेक्टेड है एजुकेशन से। अगर युवा जानेगा नहीं कि हमारी क्या है, हमारे अंदर क्या है, हम कैसे अपने आप को ग्रो अप करें, तो वो कहाँ से ग्रो अप करेगा? तो विकास की तो बात है ही, और पिछले 10 साल से ये सवाल उठ रहा है, लेकिन 10 सालों से मोदी जी केंद्र में है। अब बात धनबाद की हो तो धनबाद तो पूरे झारखंड में सबसे अलग माना जाता है, कोयला माइन से पूरा यहाँ पर। देखिए एक हम लोग तो ये बात आपका कहना सही है, और धनबाद हमेशा से उपस्थित रहा है इस विषय में, और हम लोग को ये हम लोग पूरे झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए था इस पूरे राज्य को, क्योंकि हमारे यहाँ जो कोयला है यहाँ से हम लोग 40% हम लोग यहाँ पे रेवेन्यू देते हैं, झारखंड देती है अकेले पूरे देश में, तो ये कहीं ना कहीं हमारे साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है इस राज्य के साथ में, सिर्फ धनबाद ही नहीं। अब धनबाद में पानी के लिए अब देखे होंगे आपके चैनल के माध्यम से, हम लोग देखते हैं बराबर कि पानी के लिए हमेशा झगड़ा होता है, तो मारपीट केस तक हुआ है धनबाद में, ऐसा ऐसा इतिहास, तो सरकार का तो ध्यान नहीं है, इस सब चीज में ध्यान होना चाहिए। अच्छा बात बताइए, चाहे राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार, सबसे बड़ा आरोप इस बात का लगता है कि केंद्र सरकार योजनाओं के लिए क्रियान्वयन करना चाहती है लेकिन राज्य स्तर पर हो नहीं पाता है। देखिए अभी आप राज्य स्तर में, जैसे राज्य सरकार अभी JGM की थी, आप सुने होंगे कि पूरा देश में हमको लगता है कि ऐसे ईस्ट इंडिया जैसे कंपनी बोलते थे अंग्रेज लोग को आया था उस समय इतना कोयला खनन नहीं हुआ होगा, कोयला चोरी नहीं होगा, जिस समय अभी अंग्रेज के साथ जो अंग्रेज भी नहीं किया होगा वो हेमंत सरकार कर दी है, तो ये सब तो सामने झलक रहा ना अखबार से, आज दिल्ली तक किया कोयला चोरी का, यहां तक दिल्ली से पूरे देश में चर्चा है कि धनबाद में कोयला चोरी हुआ, तो ये समझ में आ रहा कि मंशा क्या है सरकार की, कि यहाँ का विकास करने का मंशा ही नहीं है उनका। चलिए विकास की मंशा नहीं है, बात आती है योजनाओं की। इन्होंने कहा पानी एक मुद्दा है, हमें लगता है कि कोयले के खदाने हैं, और यहाँ पे जो 18 साल के युवा है वो कह रहे हैं कि रोजगार एक मुद्दा है। आप लोगों के लिए क्या अहम मुद्दे हैं धनबाद? जी हम लोग को तो शुरू से केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर ठगा। आज के युवा अगर ग्रेजुएट के बाद कोई एग्जाम का तैयारी भी करता है तो 5 साल बाद एग्जाम होता है, उसके बाद उसका रिजल्ट 5 साल बाद आता है, और उसके बाद 5 साल बाद पता चलता है कि हाईकोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से उसको खारिज कर दिया गया है। तो युवा के रोजगार के नाम पे तो कुछ रहा नहीं, और रहा बात केंद्र सरकार का, तो झारखंड खनिजों का राजा कहा जाता है, पूरे देश को खनिज का
यहाँ से सप्लाई जाता पर खनिज के सिर्फ यहाँ से पैसा जाता पर सुविधा के नाम पे कुछ नहीं दिया जाता है। धनबाद रेल मंडल देश का सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला है, जबकि यहाँ उसके बावजूद यहाँ पे आज तक एक भी ट्रेन नहीं दिया जाता है। आज युवा सबसे ज्यादा आईटी सेक्टर में फोकस कर रहे हैं और बेंगलोर उसका गढ़ है। धनबाद से आज तक बेंगलोर का कोई भी ट्रेन डायरेक्ट नहीं दिया गया है। तो अहम मुद्दा अगर कनेक्टिविटी है तो अहम मुद्दा एयरपोर्ट भी है। कई सारी ग्राउंड रिपोर्ट हमने कवर की है, एयरपोर्ट आप लोगों के लिए धनबाद के लिए वाकई में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सबसे बड़ा मुद्दा हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन ही होता, लेकिन धनबाद की दुर्भाग्य की बात है यहाँ एम्स आती है और चली जाती है देवघर। यहाँ एयरपोर्ट होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे झारखंड ऐसा प्रदेश है जहाँ हमारे 40% खनिज पूरे भारत को देने का काम करते हैं, 27% कोयला इस धनबाद से हम लोग देश को देते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है सब बावजूद होने के बावजूद यहाँ एक एयरपोर्ट नहीं हो पाई है। तो मैं सरकार से यही कहना चाहता हूं कि यहाँ एक एयरपोर्ट होना चाहिए। और जिन मुद्दों के हम लोग अभी स्टूडेंट है, स्टूडेंट की बात करें तो मैंने अभी झारखंड सरकार की बात करें तो जेएसएससी सीजीएल का मामला आपने देखा होगा कि रात भर जाग के युवा 5 साल मेहनत करते हैं, उसके बावजूद ये रद्द कर दिया जाता है। कहीं ना कहीं युवाओं के ऊपर ये चोट घात प्रतीत होती है। 5 साल युवा मेहनत करने के बावजूद कहीं ना कहीं ये रद्द होता है तो उसके मन में भावनाओं में ठेस पहुंचती है और कहीं ना कहीं गलत कदम उठाने में वो तत्पर हो जाते हैं कि गलत कदम उठाएं, क्योंकि घर से भी वो परेशान होते हैं, क्योंकि कितने बार वो घर वाला परेशान करेंगे कि अभी नई नौकरी हुआ। कितने देर तक नौकरी करोगे, कितने मेहनत करोगे, तो अभी तक कुछ उपाय ये सरकार झारखंड का। लेकिन इतना बेबसी का आलम क्यों है कि झारखंड के युवा रोजगार ढूंढते हैं, गरीब आदमी पानी ढूंढता है, मिडिल क्लास की बात करें तो वो विकास ढूंढता है। देखिए आज का डेट में व्यवस्था जो है ना, ये व्यवस्था टोटल चौपट हो चुका है, चाहे किसी क्षेत्र में हो, युवा का रोजगार के क्षेत्र में हो, ग्रामीण का क्षेत्र में हो, शहरीकरण के क्षेत्र में हो, किसी क्षेत्र में व्यवस्था जो है सरकार के अधीन नहीं है। सरकार का हाथ से ये व्यवस्था बाहर हो चुका है, सारा काम कंटेक्ट में हो रहा है। आज जितना बच्चा लोग एग्जाम दे रहा है, 3 साल 4 साल 5 साल तैयारी कर रहा है, एग्जाम दे रहा है, एग्जाम दे के घर भी नहीं आ रहा, पता चलता है कि क्वेश्चन लीक हो गया। आगे इस पे किसका दोष है, सरकार की नाकामी है। ये तो राज्य स्तर के वो बड़े मुद्दे हुए जिस पर रोजगार की बात हो रही है, लोकसभा का चुनाव है, 15 साल बीजेपी का राज रहा है, क्या किया सांसद जी ने क्या किया। सांसद जी बैठ के वहाँ पान खा के चबाते थे, अब थूकते थे, क्या करते थे, पूरा धनबाद को गंदा कर दिया थूक के। वो आज यहाँ जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डेवलप होना चाहिए, क्या सांसद जी का कौन चीज देन है, एक वो देन बता दीजिए ना। हमारा यहाँ एयरपोर्ट है, जितनी ट्रेनें चलती थी बाहर के लिए सारे ट्रेन केंद्र सरकार ने बंद। अनुपमा सिंह आई है, कांग्रेस से प्रत्याशी चुनी गई है, कैसे देख रहे हैं? अब देखिए अनुपमा सिंह क्या काम कर पाएगी नहीं पाएगी तो बात की बात है, अभी जो भी जीती है उसमें भी जोश है, खरोश है, काम करने गई है। और हमारा इधर ढुलू महतो है, ये तो विकास पुरुष बोलते हैं अपने आप को, कितने दूर तक विकास करते हैं आने वाला समय बताएगा। मतलब छोड़ देते हैं और इंतजार करते हैं इस बात का कि आलम क्या है। झारखंड से ही आप? हाँ, झारखंड लोकल धनबाद। लोकल धनबाद के। अच्छा, कोयले की कई सारी खदानें हैं, कभी गए उस साइड? हम वहीं के रहने वाले हैं। हमने तो देखा है कि यहाँ पे कोयले के पास जो मिट्टी भी है उसका रंग भी काला है। काला आपको बाहर से दिखता है, अगर सामने से देखिएगा ना तो वहाँ आज 20 साल से 25 साल हो गया है कोयला वहाँ जल रहा है। यहाँ पे केंदुआ करके धनसार आप देखिएगा, यहाँ पे कोयला नीचे से जल रहा है और ऊपर से कोयला चोरी हो रहा है, यही हमारे झारखंड का आज हाल है। दोहरा शोषण, पूरा दोहरा का दोहरा, ऊपरी निचली। उम्मीद है कि कोई ऐसा मसीहा बन के आएगा जो जनता के हित की बात करेगा? अब उसके लिए तो भगवान ही आस है, क्योंकि हमें तो जितने भी अभी आसपास के चाहे वो हमारे भावी हो, चाहे जो पहले के सांसद हो, चाहे जो भी है, उनसे तो कोई दो नेता है, दोनों में टक्कर किस में देख पा रहे हैं अभी तो कहना मुश्किल है। दुल्लू महतो वर्सेस अनुपमा सिंह, अभी कहना मुश्किल है, अब वो तो भविष्य की बात है, भविष्य की गोद में। क्या आपकी कोई पहली पसंद? मेरी पहली पसंद तो मेरा नोटा है। नोटा वोट का इस्तेमाल नोटा के लिए है, क्योंकि सीधी बात है, कोई हमारे लिए यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। झारखंड मर रहा है, आज 20 साल 25 साल हो गया झारखंड को, क्या मिला हमें? हमारा ना रोजगार का मोमेंटम में तो बहुत कुछ लिख दिया जाता है कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन इन मौके में देखिए लास्ट में खुद ही आरोप पे आरोप फंस जाते हैं और खेल खत्म। बहुत एग्रेशन है और बहुत नाराजगी है। ये नाराजगी इतनी जो उभर के आ रही है उसका मेन कारण क्या है?
मेन कारण यही है कि यहाँ का जो भी है सब यहाँ ठेकेदार को दे दिया गया है, प्राइवेट को दे दिया गया है। जो भी यहाँ इम्प्लॉय लोग बचा हुआ हर सेक्शन में, चाहे सेल हो, चाहे बीसीएल हो, चाहे रेलवे हो, तो उनका 2-3 साल भी बचा हुआ है। जहाँ आज से करीब 3,000-4,000-10,000 आदमी लोग था, वहाँ पे आज बहुत कम सारे आदमी बच गए। अच्छा, हमने सुना है कि धनबाद में जो पलायन है उसका बड़ा कारण है रोजगार ना होना। आप तो यहाँ रहते हैं, आपने भी वो तस्वीरें देखी है क्या? हाँ, देखे हुए। यहाँ मतलब पहले जितना यहाँ पे आदमी लोग था, काम करता था, उसे तुलना में बहुत सारा कम हो गया आदमी लोग। उसके बाद कुछ निकल, आप क्या करते हैं? हम यहाँ सेल के एम्प्लॉई हैं। अच्छा, आपका काम धंधा ठीक चल रहा है? धंधा से यही चल रहा है, लेकिन मेरा जो साथ में एम्प्लॉई जो था पहले से बहुत कम हो गया, इसीलिए हम लोग के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। प्रधानमंत्री के 10 साल के काम है, कहते हैं कि मोदी की गारंटी है तो विकास हुआ है। क्या आपको मोदी की गारंटी पे भरोसा है? विकास हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। गलती केंद्र की या क्षेत्र लेवल पे अगर बात करें, लोकसभा लेवल पे तो सांसद केंद्र की जो यहाँ का सांसद है वही, अगर घूमते हैं अपना एरिया में तो उनको पता चलता है कि किस जगह पे क्या कमी है, क्या कहाँ पे आदमी लोगों का दिक्कत है, क्या है, कुछ नहीं, अपना जीते और चुपचाप अपना घर में। ये जनता परेशान है इस बात के लिए कि नेताजी की मुंह दिखाई नहीं होती, नेताजी गायब हो जाते हैं। लोकसभा का क्या हाल? लोकसभा भी आने वाला है, देखते हैं क्या होता है। डोलू महतो जी को जानते हैं? हाँ, डोलू महतो जी को जानते हैं। अब विधायक है बागमारा से, अभी धनबाद से प्रत्याशी है लोकसभा के। अनुपमा सिंह को नहीं जानते हैं, उसका नाम अभी बस हाल फिलहाल सुने हैं। अच्छा, नारी शक्ति पे भरोसा है कि अगर लोकसभा के लिहाज से अगर धनबाद को संभाला तो? देखिए, धनबाद में अभी तक रीता वर्मा के बाद किसी को प्रत्याशी के रूप में तो नारी को नहीं मिला है, और इस बार मौका मिला पर लग नहीं रहा है कि वो कुछ कर पाएगी। चलिए कुछ बीजेपी और कांग्रेस के मुद्दों पे बात कर लेते हैं। राहुल जी कह रहे हैं कि 25 गारंटियां लेकर आए, मोदी जी कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी लेकर आए। देखिए, ये सब दोनों कांग्रेस रहे या फिर बीजेपी रहे, दोनों का जुमला है। दोनों पार्टी में से कोई अभी तक खड़ा नहीं उतरी है। दोनों अपना अपना बात रखती है पर काम धरातल में आती नहीं है। अच्छा, आजसू जो है बीजेपी के साथ गठबंधन में उतर आई है, और पिछली बार भी देखा था कि लोकसभा में सब साथ थे, ये साथ लड़ने से जो है कोई इफेक्ट पड़ेगा ग्राउंड पर? धनबाद देखिए, दूसरा जगह पड़ सकता है पर धनबाद में नहीं। धनबाद में क्यों नहीं? धनबाद में आपका है कि कोई काम ही नहीं करता अभी तक। जैसे पीएन सिंह आपका 15 साल रह चुका है संसद, कोई काम नहीं हुआ है। इसके बाद बीच में आपका अजय दुबे आए, वो भी 3 लाख वोट लिए, और नहीं अजय दुबे आए थे, नहीं आए थे। अच्छा, छोड़िए, अभी वर्तमान की लिए हैं, वो दिल्ली चल गए हैं। बीच में कीर्ति आजाद आए, वो भी 4 लाख लगभग वोट लिए, वो दरभंगा चल गए। ठीक है, वो जीत चुनाव के टाइम आते हैं सब, कीर्ति आजाद जी। हाँ, चुनाव के टाइम आते हैं, चुनाव हार जाते हैं फिर चले जाते हैं। अनुपमा सिंह भी है, आई है अभी, चुनाव हारेगी फिर चल जाएगी। तो ढुल्लू महतो जीतने जा रहे हैं? हाँ, पक्का ढुल्लू महतो जीतने जा रहे हैं। कारण क्या है? ढुल्लू महतो क्षेत्रीय है, यहाँ के बसिंदा है, लोकल है बस। चलिए, लोकल लेवल पे बात करें, आइए अगर बात की जाए तो और भी लोग उनसे संपर्क कर लेते हैं। रोजगार का क्या हाल है, शिक्षा का क्या हाल है, पलायन को लेकर क्या स्थिति है इस वक्त धनबाद की? देखिए, धनबाद का स्थिति तो अभी युवाओं के लिए बहुत ही बुरा हो चुका है। उम्मीद है इस बार इलेक्शन में युवा को कुछ मिले, बट जैसा धनबाद का स्थिति रहा है कुछ उपलब्धि तो मिला नहीं है। ना यहाँ कॉलेज है, यहाँ पे लड़के आज दिखाई दे रहे हैं, कल को नहीं दिखाई देंगे, कल को सन्नाटा हो जाएगा। रीजन बस है कि ना यहाँ कॉलेज है ना रोजगार है। तो रोजगार के लिए यहाँ से चले जाएंगे? एकदम जाते ही है सब, कौन यहाँ काम कर रहा, कोई नहीं काम कर रहा। अच्छा, कोयले का हब है, आप सोचिए कि आप कितने लकी है, यानी कि कितने किस्मत वाले हैं कि ऐसी जगह पे जन्म हुआ है जो 7,000 मिलियन वार्षिक आय देता है, और बावजूद आप कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है। कहाँ से होगा, जब यहाँ से सारा चीज बाहर जाएगा और बाहर से कुछ मिलेगा नहीं हमें, तो फिर हमें क्या, हमें तो बाहर ही जाना पड़ेगा ना। यहाँ से उत्पादन हो रहा है लेकिन बाहर जाके विक्रय हो रहा है, तो फिर बाहर ही जाना। पीएन सिंह जी आए हैं, 15 साल रहे हैं, सच बताइएगा, कैमरे पे इस समय लोग लाइव देख रहे हैं, सच में कुछ नहीं किया आपके सांसद ने? हमें तो नहीं दिख रहा है कि कुछ हुआ है, क्योंकि जैसा कि हम सभी को पता था, एयरपोर्ट का प्रावधान था यहाँ पे, मिला नहीं धनबाद को। एम्स का प्रावधान था यहाँ पे, मिला नहीं धनबाद को। तो क्या बात है, कुछ अगर होते तो इलाज कराना हो यहाँ के लोगों को, कोई बड़ी बीमारी हो जाए। आप तो लोकल के हैं, कहाँ जाते हैं, कितना दूर जाना होता है? हम लोग इम्प्लॉय हैं, लेकिन हम लोग सेंट्रल वहाँ जाते हैं तो वहाँ से रेफर कर दिया जाता है। हम लोग दुर्गापुर, कलकत्ता,
बहुत दूर चले जाते हैं, रेफर करते करते दूसरे राज्य की बाउंड्री में आप पहुंच जाते हैं, यहाँ कुछ इलाज नहीं है। अगर कुछ नहीं होता होगा तो देश की राजधानी दिल्ली आ जाते होंगे। हाँ, हम तो, मेरा तो सब बच्चे लोग दिल्ली में रहते हैं, पहला नंबर तो यहाँ से, यहाँ से बहुत जो बच्चे लोग हैं पढ़ते हैं बाहर, बाहर में पढ़ते हैं, बहुत लोग कम पढ़ते हैं यहाँ के लिए। आईसम एक आईसम है, प्लस सारे बच्चे चले जाते हैं दिल्ली, कोई बेंगलोर जाते हैं। यहाँ जो हम लोग जो एयरपोर्ट आया था, एयरपोर्ट चला गया देवघर आपका, तो सांसद तो हमारा कुछ किए नहीं। धनबाद लोकसभा क्षेत्र में हूँ, वापस से जनता से जुड़ूंगी और उनसे बात करूंगी। युवाओं के मुद्दे सुन लिए हमने, हमने शिक्षा को लेकर बातचीत कर ली, धनबाद का लेकिन क्या हाल है आप बताइए अपनी नजर से। मेरे हिसाब से धनबाद का ये हाल है कि अभी जितना भी बच्चा IIT JEE का तैयारी करने के लिए यहाँ बढ़िया से इंस्टीट्यूट नहीं है, है भी तो बहुत महंगा में है, जो बच्चे लोग कर नहीं पा रहे हैं। सबको सबको रहता है ड्रीम कि IIT NIIT कम से कम मिले। रोजगार के मामले में तो देख लीजिए वैकेंसी कितना निकल रही है, पहले आपका CGL UGL का 60,000 वैकेंसी निकलती थी, अभी आपका मोटा मोटी 4600 निकल रही है। और कंपटीशन का लेवल देख रहे हैं कितना, और भी निकल रही जब चुनाव आ रही है, तब चुनाव मतलब फिर ख़त्म हो जाएगी तो फिर आपका वैकेंसी वैकेंसी। तो मेन हम लोग का स्टूडेंट का यही मुद्दा है कि रोजगार पर, चलिए रोजगार पर बात होनी चाहिए। अब तो दो बड़े नेता चुनावी मैदान में हैं, हर घर पर हाथ जोड़ते हुए नेता मिल रहे होंगे, देखिए आपने नेताओं की कोई तस्वीर ऐसी? नहीं, किसी कोई भी नहीं आई है, अभी आई नहीं है ना। चलिए हाथ जोड़ के अभी आप तक कोई पहुंचा भी नहीं है, वोट तो देने जाइएगा। हाँ, दो प्रत्याशी है, जानते हैं कौन है धनबाद में दो प्रत्याशी? हाँ, BJP से है डुल्लू महतो और कांग्रेस से है अनुपमा सिंह। ठीक है, कहाँ से आते हैं डुल्लू महतो? डुल्लू महतो आते हैं बागमारा से, अभी बीजेपी, अभी बीजेपी का MLA है। और अनुपमा जी? अनुपमा जी का हम नाम उन्होंने उतने नहीं सुने हैं, नहीं सुने हैं। चलिए हम बता देते हैं, बैरमो विधायक की धर्मपत्नी भी है और अब उनको प्रत्याशी भी बनाया है। अगर पहली बार उन्हें जो है कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया और पहली बार सांसद के लिए बीजेपी से भी प्रत्याशी बने हैं डुल्लू महतो, कौन सबसे ज्यादा मजबूत लग रहा है? मजबूत तो डुल्लू महतो लग रहे हैं। कारण क्या है? कारण क्योंकि उन्हें सब पब्लिक जानती है, कुछ कुछ जगह पर वो काम भी किया है, कोयला में उनका मतलब एक नाम है यहाँ पर धनबाद में। अच्छा, बिजली आती है क्या? बिजली भी उसी तरह जिस तरह नेता है। अच्छा। दिखाई देते हैं चुनाव के टाइम और फिर चले जाते हैं। एक दिन में कितना घंटा बिजली रहता है? कितना घंटा रहता है? 4-5 घंटा इससे ज्यादा। क्या बिजली? हाँ, आता है कि रहता है? बिजली 4-5 घंटा रहती है। रहती है तो रात को तो गर्मी में फिर तो मच्छर ही परेशान कर देते होंगे, कहाँ नींद आती होगी? कर ही रहा है, दिन में सोना पड़ता है आदमी को पेड़ के नीचे। पेड़ के नीचे ये हाल है धनबाद का, कोयला क्षेत्र का। कोयला क्षेत्र यहाँ पे सिर्फ मतलब कोयला क्षेत्र बोल के यहाँ लूटा जाता है कोयला को बस, और बाकी तो बिजली। अच्छा, लोकल धनबाद की है? हाँ, बचपन से देख रहे होंगे कितना कोयला का जो है ट्रक इधर उधर जाता आता होगा, आंखों से देखा होगा तो लगता होगा कि कितना डेवलप होने वाला है आपका धनबाद, लेकिन बदला कुछ तस्वीर? अभी धनबाद में देखिए हर जगह अभी आचार संहिता लागू है, कोयला का काम तो लगभग हर जगह बंद है, मगर धनबाद एक ऐसा क्षेत्र है कि आचार संहिता लागू होने के बाद भी यहाँ पे कोयला का काम चालू है, माफिया लोग का इस तरह, मतलब यहाँ पे अलग एक राजनीति चलती है। हाँ, चलिए इधर आ जाते हैं और बात कर लेते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या फिर अभी क्या? पढ़ाई कर रहे हैं। कितने साल के आप? 17। 17, अभी एक साल बाकी है वोट देने में। एक साल में तो तय करना पड़ेगा ना कि किन मुद्दों पे वोट देंगे जो नेता भविष्य में हमें मिलेंगे। वैसे राजनीति को कैसे देखते हो आप? हम नॉर्मली देखते हैं। अभी डुल्लू महतो को जानते हो? हाँ जानते हैं। विधायक हैं, क्या बोलते हैं, बगवारा के। अभी प्रत्याशी बने ये पता है आपको? हाँ पता है। अच्छा बताइए, डुल्लू महतो पे भरोसा कर सकते हो या फिर अनुपमा सिंह पे? अनुपमा सिंह का नाम नहीं सुने उतना हम पहले। अच्छा, जिसका नाम सुनेंगे उसी पे भरोसा करेंगे? हाँ, अभी फिलहाल तो यही है। फिलहाल तो यही है, जनता के पास ऑप्शन की कमी रह जाती है। आप आइए ना इधर की तरफ, ये बताइए कि लोकसभा का चुनाव है, दो नेता है, दो नेताओं में चयन करना होगा तो आपके लिए सबसे मजबूत लीडर कौन? जो धनबाद के लिए कुछ करे बढ़िया, जरूरी नहीं है कौन नेता आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, लेकिन धनबाद के लिए कुछ बढ़िया होना चाहिए। चाहता क्या है, कोयलों की खदान है उसके बावजूद भी धनबाद को इतनी कमी क्यों? अगर यहाँ पर देखा जाए तो ढुल्लू महतो कुछ बढ़िया तो किए हैं कि अपने राज्य में एक मंदिर बनवाया है, और बाकी जितना भी बिहारी नेता आए हुए हैं सब पहले अपना पॉकेट भरने में लगे हुए हैं, ठीक है, उसके बाद देखा जाए कि क्या राज्य में घटा है क्या नहीं बढ़ा, उससे उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वही चीज हमको बोलना है। तो बिहार के जो लीडर आए हैं मतलब यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं? को देखिए मतलब नहीं है, बिहार से है झारखंड से है, अगर इतना दिन से बिहारी राज कर रहा है तो झारखंड को भी राज करना चाहिए। अच्छा। ट्राई तो करना चाहिए कि कैसा क्या है, 5 साल में उनका भी टाइम खत्म हो जाता है, अगर बढ़िया काम किए तो टिकेंगे, नहीं बढ़िया काम किए तो जाएंगे। झारखंडियों की कमी है कहीं ना कहीं, जो जो है सत्ता में ठीक ढंग से संभाल नहीं पा रहे? हो सकता है।
नहीं, आपने कहा ना कि बिहार के लोग आ रहे हैं, झारखंड के लोगों को मौका नहीं मिल रहा, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। खैर आप ये बताइए कि आपके झारखंड का हाल क्या है? बहुत बुरा हाल है। बहुत बुरा हाल है, क्यों? यहाँ पढ़ाई को लेकर तो बहुत, एजुकेशन सिस्टम तो बहुत गंदा है यहाँ। अच्छा, यहाँ पे जितने भी यूथ है, मैं चाहूंगी एक बार कैमरा घुमा दीजिए, जितने भी यूथ है एक ही बात कर रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, रोजगार नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी चीजों की कमी है जिसको लेकर काम होना चाहिए। धनबाद के दो बड़े प्रत्याशी है चुनावी मैदान में, 15 साल से एक व्यक्ति को मौका दिया, क्या उन्होंने कुछ नहीं किया? जी लगता तो नहीं है कि उन्होंने कुछ किया। कुछ किया रहता तो आज के यूथ ऐसा बयान तो नहीं देते। अगर वैसा रहता तो धनबाद में हमें एक एयरपोर्ट देखने को मिलता है, अस्पतालें देखने को मिलती और बहुत सारे ना ही सरकारी बल्कि प्राइवेट सेक्टर जॉब भी यहाँ पे देखने को मिलता ना। बट आप सब लोगों के पास आ रही हूँ, जल्दी जल्दी आ रही हूँ, एक सवाल का जल्दी से जवाब दे दीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी के जो काम है उनको कैसे देख रहे हैं? उनका काम तो ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, लेकिन हमारे यहाँ का जो सिस्टम है वो पूरा बेकार हो चुका है। यहाँ के लिए यहाँ पे काम ले नहीं पा रहे ऐसे, और जो यहाँ पे स्टैंड ले रहे हैं वो बस अपने अपना ही देख रहे हैं, हमारा कोई कुछ नहीं कर रहा। चलिए, जनता की भलाई के लिए नेताओं को जागना पड़ेगा, ये मैं नहीं कह रही हूँ बल्कि ये यहाँ की जनता कह रही है। धनबाद लोकसभा क्षेत्र से अभी आप जनता के दिल का हाल जान रहे थे, नए वोटर्स की राय सुन रहे थे जो कि उन्होंने कही। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।